आपको सुनाने जा रहे हैं ऐसी कहानी जिसका नाम है शिकार का ऐलान। सालों पहले एक घने जंगल से कुछ जंगल में कुछ जानवर रहा करते थे। उनमें से एक शेर था और उसकी सेवा में हरदम लोमड़ी, भेड़िया, चीता और चील रहते थे। लोमड़ी को शेर ने अपनी सेक्रेटरी, चीता को अपना अंगरक्षक और भेड़िया को अपना गृह मंत्री बना रखा था। इसके अलावा चीता दूर दूर की सारी खबरें लाकर शेर को देता था, यानी वो खबरी का काम करता था। इन चारों को भले ही शेर ने अच्छे अच्छे पद दे रखे थे, लेकिन दूसरे जानवर इन्हें चापलूस मंडली कहते थे। सबको पता था कि चारों कोई काम करे चाहे ना करे, लेकिन शेर की चापलूसी खूब अच्छे से करते हैं। रोजाना चारों जानवर शेर की बड़ाई में शब्द कह देते थे, जिससे वो खुश होता था। इन सब के चलते जैसे ही शेर शिकार करता था, तो वो अपना पेट भरने तक खाने के बाद वो अपने चारों खास पद में बैठे जानवरों के बाकी का हिस्सा दे देता था। इसी तरह लोमड़ी, भेड़िया, चीता और चील जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी। एक दिन खबरी चील ने अपने चापलूस दोस्तों को आकर बताया कि काफी देर से सड़क के पास एक ऊंट बैठा हुआ है। भेड़िए ने सुनते ही पूछा, क्या वो अपने काफिले वालों से बिछड़ गया? चीते ने सवाल को सुनते ही कहा, चाहे भी जो भी हो, हम उसका शिकार करवा देते हैं शेर से। उसके बाद कई दिनों तक आराम से उसे इस बात को सहमति देते हुए लोमड़ी ने कहा, ठीक है, मैं जाकर राजा से यह बात करती हूँ। इतना कहकर सीधे लोमड़ी शेर के पास पहुंचे और बड़े ही प्यार से बोली, महाराज, हमारा दूत खबर लेकर आया है कि एक ऊंट हमारे इलाके में आकर सड़क के किनारे बैठा हुआ है। मुझे किसी ने बताया था कि मनुष्य जिन जानवरों को पालते हैं उनका स्वाद काफी अच्छा होता है, एकदम राजाओं के खाने के लायक। अगर आप कहें तो मैं यह ऐलान करवा दूं कि वह ऊंट आपका शिकार है। लोमड़ी की अच्छी बातों में आकर शेर ने कहा, ठीक है। इतना कहते ही वह उस पर पहुंच गए और जहां ऊंट बैठा था। शेर ने देखा कि वो ऊंट काफी कमजोर है और उसकी आंखें भी काफी पीली हो चुकी हैं। उसकी ऐसी हालत देखकर शेर से देखी नहीं गई। उसने ऊंट से पूछा कि दोस्त, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? कराते हुए ऊंट ने जवाब दिया, जंगल के राजा, क्या आपको नहीं पता कि सारे इंसान कितने दयाहीन होते हैं? सामने उम्र मुझसे एक व्यापारी ने माल ढुलाया, अब मैं बीमार हो गया हूँ, तो उसने मुझे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। उसने सोचा कि मैं उसके किसी काम का नहीं रहा, इसी वजह से अब वो मुझे अपने साथ नहीं रख रहा है, ना ही मेरा इलाज करवा रहा है। अब आप ही मेरा शिकार कर दीजिए ताकि मुझे दर्द से मुक्ति मिल जाए। इन सब बातों से शेर को दुखी हुआ। उसने ऊँट से कहा कि अब तुम इसी जंगल में रहोगे हमारे साथ, यहाँ तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा। मैं ऐलान कर देता हूँ कि तुम्हारा शिकार कोई जानवर नहीं करेगा। शेर की इस दयालुता को देखकर चारों चापलूस जानवर दंग रह गए। धीमी आवाज में भेड़िए ने कहा कि कोई नहीं, बाद में इसे किसी तरह से मरवा देंगे, अभी जंगल के राजा का आदेश मान लेते हैं। ऊँट अब उसी जंगल में आराम से रह रहा था। अच्छे से हरी घास खाते खाते ऊँट एक दिन बिल्कुल स्वस्थ ही हो गया। वो हमेशा शेर के प्रति आदर भाव रखता और शेर के दिल में भी उसके लिए दया और प्रेम की भावना थी। अब शेर के शाही सवारी भी स्वस्थ ऊँट निकालता था। वो शेर के चारों खास पदाधिकारी जानवरों को पेट पर बैठा कर चलता। एक दिन चापलूस जानवरों ने जंगल के राजा शेर को हाथी का शिकार करने के लिए कहा। राजा भी मान गया, लेकिन वो हाथी पागल था। उसने शेर को बुरी तरह पटक दिया। किसी तरह से शेर पागल हाथी से तो बच गया, लेकिन उसे काफी चोट लग गई। अब बीमार शेर बिना शिकार किए किसी तरह से अपनी जिंदगी जीने लगा। उसने शेर भी भूखे थे, उनके मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या करें जो कुछ खाने को मिल जाए। फिर उनका ध्यान हट्टे कट्टे हो चुके ऊंट पर गया। सबने मिलकर एक तरकीब सोची, राजा के पास चले गए। सबसे पहले भेड़िए ने कहा, महाराज, आप कितने दिनों से भूखे रहेंगे? मेरा शिकार करके मुझे खा लीजिए, आपकी भूख मर जाएगी। फिर चील कहने लगी, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता, आप मुझे खा लीजिए। चील को पीछे धकेलते हुए लोमड़ी बोली, तुम्हारा मांस इनके दांतों में ही लग कर रह जाएगा,
आप इसे छोड़कर मुझे खा लीजिए। एकदम से फिर चीता बोला कि इसके शरीर में आपको सिर्फ बाल ही मिलेंगे, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। ये सब उन चापलूसों जानवरों का नाटक था जिसे ऊँट नहीं समझ पाया। उसने भी एकदम कहा, मेरी ज़िंदगी तो आप ही की दी हुई है, अब इस तरह से भूखे क्यों रहेंगे, आप मुझे मार कर खा लीजिए। चारों चापलूस जानवर इसी बात का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एकदम से कहा, ठीक है मैं, आप ऊँट को ही खा लीजिए, अब तो ये खुद ही कह रहा है कि मुझे खा लो, और इसके शरीर में मांस भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो उसका शिकार हम कर देते। इतना कहते ही चीते और भेड़िए ने मिलकर एक साथ ऊँट पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में ऊँट की मौत हो गई। ये कहानी, अगर आपको और कहानी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपसे अगली कहानी में मिलता हूँ। धन्यवाद। हो गई।